श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का सिंह द्वार बंद होने से नाराज व्यापारियों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मंदिर की सुरक्षा में लगे कर्मियों ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सिंह द्वार को बंद कर दिया। इसके चलते विश्वनाथ गली में रहने वाले लोगों और व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसी परेशानी के चलते व्यापारियों के सब्र का बांध टूट गया। व्यापारियों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए गेट नंबर 1 पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और रास्ता खुलवाने के लिए अड़ गए। विश्वनाथ गली के दुकानदार यहाँ पे बहुत ही मर्मांत हैं। विश्वनाथ मंदिर के अंदर में कॉरिडोर के अंदर में जो भी बेहद कार्य हो रहा है उसका हम लोग सहयोग शुरू से करते चले आए, अभी भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा जो भी है उसका मानक होना चाहिए। सुरक्षा में भी हम लोगों का कोई असहयोग व्यापारियों का भी न था न है न रहेगा। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए, मेरा व्यापार पूरे सावन बंद था, हम लोगों ने नहीं बोला। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर में एक दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले हमने जब कंट्रोल रूम को फोन किया परसों, तो उन्होंने कहा कि सिंह द्वार का गेट गिरा, हमको मालूम नहीं। कंट्रोल रूम विश्वनाथ मंदिर ये बोल रहा है, कंट्रोल रूम ज्ञान व्यापी सुरक्षा। और कल 11 बजे पाली प्रभारी को हमने फोन किया, तब जाकर गेट हटा, परसों 10 बजे हटा। आज व्यापारी जो मर्माहत होकर के, आजीज होकर के उन्होंने कंट्रोल रूम के बोला और फिर पाली प्रभारी ने आदेशित किया यहाँ के इंचार्ज को, इस बैरिकेडिंग को हटा दिया जाए। हम चाहते हैं कि सिंह द्वार को जब भी बंद करें, सुरक्षा होना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा लिखित टांग दे, व्यापारियों को जानकारी हो कि 6 घंटे बाद बैरिकेडिंग उड़ जाएगी, हमें और कोई इस चीज से दिक्कत नहीं है। वहीं व्यापारियों के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और प्रशासन ने रास्ता खोल दिया। व्यापारियों की मांग है कि गेट बंद होने का एक वक्त निर्धारित हो और बगैर किसी ठोस वजह के विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग बंद न किए जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।